अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस आज की वीडियो में हम गाड़ी का ऑयल चेंज करवाने जा रहे हैं। हमारी गाड़ी 26,654 किलोमीटर चल चुकी है, तो फिलहाल इसका ऑयल जो चेंज करवाते हैं 4,000 रुपये वो कहते हैं। मेरी ऑलमोस्ट 5,500 चल गई है। किक्स का ऑयल मैंने डलवाया हुआ था, 7 मंथ बाद मैंने ये दोबारा 5,500 गाड़ी चला ली है। चक्कर ज़्यादा मेरे इस्लामाबाद लाहौर वाली साइड पे लगे हैं, तो अब दोबारा इसको चेंज करवाते हैं जाके शॉप पे। फिल्टर्स भी इसके चेंज करवाते हैं और ऑयल भी चेंज करवाते हैं। तो ये फ़िलहाल हमने पहले ये लगवाया हुआ था जब हमारा ऑयल चेंज हुआ था, 31/3/2024 को हुआ था। ऑयल और एसी फिल्टर्स वगैरह चेंज हुए थे, तो अभी दोबारा जाके वो चेंज करवाते हैं और चेक करते हैं कितने के चेंज हो जाते हैं। इनके वो दूसरे भी चेक करवाते हैं, फिल्टर्स वगैरह, और एवरेज भी इसकी थोड़ी अच्छी निकले। ऑयल वगैरह चेंज करवा के चेक करते हैं। अभी फ़िलहाल हम शॉप पे चलते हैं, चेक करते हैं कितना खर्चा हमारा होता है। अभी पेट्रोल भी डलवाते हैं, 10 रुपये पेट्रोल हमारा सस्ता हो गया, 260 से 250 लीटर पे आ गया पेट्रोल। तो ऑयल चेंज करवाने के बाद फिर चेक करते हैं, पम्प पर भी चलते हैं और पेट्रोल भी डलवाते हैं गाड़ी पर। तो गाइस फ़िलहाल मैंने जिस शॉप से खानी वाली साइड पे शॉप है, तो वहाँ से जहाँ से मैंने ऑयल पहले चेंज करवाया वहाँ पे दोबारा ही चलते हैं, उधर से ही ऑयल चेंज करवाते हैं और एसी फिल्टर्स वगैरह भी इसके चेंज करवा लेते हैं और इनके प्लग्स वगैरह चेक करते हैं, अगर उनमें थोड़ी प्रॉब्लम है तो वो भी सेट करवाते हैं ताकि हमारी एवरेज गाड़ी की थोड़ी ज़्यादा निकल सके। फिलहाल हम ऑयल और एसी फिल्टर्स को हवा डलवा के किक्स का ऑयल हमने डलवाया चेंज करवा के अभी निकलने लगे वापस। एक और जगह पे जाके मैं इसकी डिस्क वगैरह चेक करवाता हूँ गाड़ी की, अगर चेंज होने वाले हैं तो उनको चेक करवाते हैं। फिलहाल हमारा ऑयल चेंज हो गया है, किक्स का ऑयल 10/40 वाला हमने 4 लीटर का ऑयल डलवा लिया। ऑयल का जो गैलन आई है वो 7,500 की ऑयल की गैलन हमारी डली है। उसके बाद फिल्टर्स जो थे, एयर फिल्टर और एसी फिल्टर, वो हमारे पुराने ही चल गए, उनको अंदर हवा हमने डलवा ली थी, वो बिल्कुल सही है अभी। उसके बाद ऑयल फिल्टर हमारा चेंज हुआ 250 का, बाकी 250 का उन्होंने टोटल अपना खर्चा लिया, तो टोटल मेरा खर्चा 8,000 के अंदर एसी फिल्टर्स और ऑयल फिल्टर और ऑयल चेंज सारा कुछ हो गया है। अभी एक जगह पर जाके इसकी डिस्क वगैरह चेक करवाते हैं कि वो चेंज होने वाली है या नहीं। फिलहाल अभी हम चलते हैं और ये जो कौन सा ऑयल मैंने डलवाया 4,000 माइलेज के बाद हमने चेंज करवाना होता है।
35 से 40,000 आप गाड़ी को चलाएं। डिस्कें भी अभी चलेंगी मेरी, 26,000 ऑलमोस्ट गाड़ी चल गई। ये वाला हमने लिख लिया, मेंशन कर लिया कि नेक्स्ट हमारी रीडिंग कब होगी। 30,657 पे रीडिंग होगी। नेक्स्ट 4,000 ऑयल की माइलेज है और हमारा ऑयल चेंज हुआ है, बाकी एसी फिल्टर वगैरह को हमने हवा डलवाई है तो वो क्लियर हो गया। तो फिलहाल अभी हम निकलते हैं वापस। हमारा जो खर्चा आया वो मैंने आपको बता दिया, 8,000 में हमारे ऑयल फिल्टर वगैरह और इसके अलावा ऑयल चेंज हो गया है। तो फिलहाल अब हम निकलते हैं और इसको एवरेज को भी नेक्स्ट ड्राइविंग में हम चेक करेंगे कि एवरेज हमें अच्छी देती है या नहीं, क्योंकि ऑयल हमने चेंज करवा लिया तो ऑयल चेंज करवाने से थोड़ा बहुत फ़र्क आता है। तो फिलहाल अभी हम इसको 30,000, 35,000, 40,000 तक चलाते हैं, उसके बाद फिर हम इसकी डिस्कें वगैरह भी चेंज करवाएंगे गाड़ी के, और अगर प्लग्स वगैरह भी चेंज करवाने वाले हुए तो वो करवाएंगे। डिस्कों की जो प्राइस मैंने ली है वो प्राइस उन्होंने अभी मुझे बताई है कि आपकी प्राइस 8,000 के अंदर अंदर आपकी फ्रंट डिस्कें जो हैं वो भी और बैक डिस्कें दोनों डिस्कें चेंज होने जाएंगी। फ्रंट डिस्कें इन्होंने थोड़ी ज़्यादा प्राइस महंगी बताई हैं, वो कह रहे 4,000 में फ्रंट वाली चेंज होगी, बाकी 3,500 में आपकी बैक वाली चेंज हो जाएंगी। तो फिलहाल हम इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। होप सो ये ब्लॉग आपको पसंद आया हो, वीडियो पसंद आइए लाइक कर दें, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट डे में, तब तक।